जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो स्पेशली ये है प्रमोशन पर, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में कि सर इनमें से कौन सी फोर्स में सबसे अच्छा प्रमोशन होता है, सबसे जल्दी प्रमोशन होता है, कौन सी फोर्स में सबसे लेट प्रमोशन होता है और किस प्रकार से प्रमोशन होता है, प्रमोशन के क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SSC GD में अगर आप सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो उस के बाद में आप कौन कौन सी फोर्स में प्रमोशन किस प्रकार से होते हैं, क्या प्रमोशन का तरीका होता है और कितने ईयर से प्रमोशन होते हैं, किस किस प्रकार से, मतलब अलग अलग प्रकार से आपका प्रमोशन होता है। एक चीज़ और, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इधर मैं आपको पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि जो प्रमोशन होता है वो किस प्रकार से होता है और कौन सी फोर्स में सबसे जल्दी प्रमोशन। आप सभी को सुना होगा अभी प्रेजेंट टाइम में जो CRPF और BSF में, क्योंकि ये लार्जेस्ट फोर्स है, इनको एक कॉन्स्टेबल को बिना कोई एग्ज़ाम दिए अगर प्रमोशन चाहिए हवलदार का तो कम से कम 17 साल का वक्त लगता है, 17 साल का समय लगता है। 17 से 18 साल बाद में एक कॉन्स्टेबल हवलदार, यानी जो फित्ती आप देखते हो वो फित्ती मिलती है। उसके बाद में कम से कम 9 साल बाद में, प्रेजेंट टाइम की अभी मैं प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से, उसके बाद में 9 साल के बाद में वो चिंदी से उसको एक स्टार लगता है, मतलब ASI। उसके बाद में 9 साल बाद में, उसके 9 साल या 7-8 साल बाद में एक स्टार और लगता है। तो कितने साल सर्विस होगी, 26 और 9 आपकी 35 साल सर्विस में आपको 2 स्टार लगेंगे प्रेजेंट टाइम में CRPF BSF, इनमें जो प्रमोशन है वो इस प्रकार से चल रहा है। अब कईयों का ये क्वेश्चन रहता है कि बाकी जो पोस्ट है जैसे SSB CISF, तो इनमें प्रमोशन जल्दी होता है, या ITBP और असम राइफल, इनमें प्रमोशन जल्दी होता है। दोस्तों बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है, जैसे इनमें 17 साल लग रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उनमें ऐसा हो सकता है कि 15 साल लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इनमें 17 साल लग रहा है उनमें 5 साल में अव्वलदार बन जाओगे, ऐसा नहीं, उनमें भी उतना ही समय लगता है। थोड़ा सा फर्क हो सकता है क्योंकि वो छोटी फोर्सेज है, तो उनमें थोड़ा सा जल्दी आपका प्रमोशन हो सकता है, मतलब 1-2 साल का फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा प्रमोशन में। 17 से 18 साल इनमें लग रही है तो उनमें भी मान के चलिए 15-16 साल लग रही है, उससे कम नहीं। लेकिन हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हवलदार की जो वो फित्ती है वो जरूर 17-18 साल बाद मिलती है, लेकिन हवलदार की जो पे मिलती है, जो पेमेंट मिलता है, वो 10 साल आपकी सर्विस कंप्लीट होने के बाद में आपको वो हवलदार की पेमेंट मिलने लग जाती है दोस्तों, ठीक है। जिसकी 10 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है, पेमेंट उसको उसी दिन से हवलदार की मिलने लग जाती है, लेकिन केवल वो ओनर यानी जो उपाधि है वो उसको लेने में 17-18 साल का समय लग जाता है प्रेजेंट टाइम में CRPF BSF और ITBP या मतलब किसी भी फोर्स का आप मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्स में। हाँ, कुछ फोर्सेज में यह ऐसा हो सकता है जैसे वो छोटी फोर्स है तो उसमें 1-2 साल कम यानी 14-15 साल का समय लगता है। तो ये तो हुआ, इसके बाद में जो ASI वाला मैंने बता दिया, मतलब कि अगर आप CRPF में एज ए कॉन्स्टेबल आते हो तो आप रिटायरमेंट के समय में अभी प्रेजेंट टाइम के रूल के अनुसार आप SI की पदवी तक जा सकते हो, 35 साल की सर्विस कर पाओगे, इससे ज़्यादा कहाँ कर पाओगे। उसके बाद में एक कंडीशन और है कि अगर कोई गैलेंट्री मेडल मिलता था, कईयों को ऐसा लगता है कि गैलेंट्री जो मेडल मिलता था उससे अब से पहले, मतलब अभी 1-2 साल से पहले ऐसा होता था कि जब कोई आपको गैलेंट्री मेडल जैसे PMG शौर्य चक्र ऐसा कुछ भी मिलता था तो उसके साथ में आपकी पदवी भी बढ़ाई जाती थी, मतलब आपको एक पद प्लस भी किया जाता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में प्रमोशन बंद हो गया उस प्रकार से, मतलब आपको गैलेंट्री मिलता है, कोई भी रिवार्ड मिलता है तो उससे आपको पद नहीं बढ़ाया जाएगा। आप अगर कॉन्स्टेबल है, आपको गैलेंट्री मिला है, कोई भी रिवार्ड मिला तो आप कॉन्स्टेबल ही रहोगे, रिवार्ड मनी वो सब कुछ जो है वो मिलता है, लेकिन पद नहीं बढ़ाया जाता, ये बंद हो गया है। तो प्रमोशन का ये तरीका बिल्कुल अभी प्रेजेंट टाइम बंद है। इसके अलावा प्रमोशन किस किस प्रकार से होते हैं, तो मैंने SI तक का बता दिया, इस प्रकार से प्रमोशन आप चाहिए इनमें से कोई सी भी फोर्स में जाओ। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है प्रमोशन का, वो होता है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम फाइट करके आप प्रमोशन लेते हो, तब आपको किस प्रकार से असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकते हो या कौन कौन सा प्रमोशन आप एग्ज़ाम दे के ले सकते हो दोस्तों। जैसे हवलदार, तो हवलदार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रेडियो ऑपरेटर हो गए, जो मतलब आप सभी को पता होगा, जो केवल PCM वाले या जिनकी IIT की हुई है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटली आके। एक होता है SCM, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर, इसके लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक हवलदार, ठीक है, SC हेड कॉन्स्टेबल, ये 3 प्रकार से हवलदार के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन तीनों एग्ज़ामों को आप फाइट करके तीनों फील्ड में आप जा सकते हो, जिनके PCM और रेडियो ऑपरेटर बन सकते हैं, जिनका टाइपिंग वाइपिंग अच्छा है जो SCM का एग्ज़ाम देके हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल से आप फिर आगे डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम नहीं दे सकते, रेडियो ऑपरेटर से भी फिर आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इन दोनों की ये कंडीशन है।
कंडीशन क्या है कि अगर आप रेडियो ऑपरेटर बन जाते हो हवलदार और एससीएम बन जाते हो तो उसके बाद में आप डिपार्टमेंटली एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो, लेकिन आप एससी यानी हेड कॉन्स्टेबल बन के फिर आप एसआई का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है, जीडी में एससी बन के और फिर आप हेड कॉन्स्टेबल का भी एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आपकी अब इसके लिए शर्त क्या क्या होती है, पहली शर्त एससी रेडियो ऑपरेटर के लिए आपकी कम से कम 2 साल की सर्विस होनी चाहिए, एससीएम और एससी मतलब हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर और हेड कॉन्स्टेबल की आपके लिए 3 साल की सर्विस होनी चाहिए बिल्कुल बेदाग मतलब बिना कोई पनिशमेंट के, ठीक है, तो ये इसके लिए बेसिक है। इसके अलावा एसआई का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, तो एसआई में भी आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, एक तो एसआई का एग्ज़ाम दे सकते हो आप, उसके द्वारा आप प्रमोशन अगर लेना चाहो तो आपकी कम से कम 3 साल की सर्विस और 1 साल की ट्रेनिंग, ये अलग है ना, 3 साल की सर्विस होनी चाहिए क्लीन सर्विस बटालियन की, 3 साल की सर्विस देने के बाद में आप एसआई का एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके 3 साल के बाद में या 4 साल के बाद में फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी डिपार्टमेंटली दे सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो किसी फोर्स को ज्वाइन करने के बाद में, कॉन्स्टेबल से असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको पहले एसआई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एसआई के एग्ज़ाम डायरेक्ट आप मतलब डायरेक्ट आप डिपार्टमेंटली अगर आए एग्ज़ाम देना चाहो असिस्टेंट कमांडेंट का डीएसपी का तो वो नहीं दे सकते, उसके लिए आपको पहले एसआई फाइट करना पड़ेगा। एसआई की आप जॉब करने के बाद में आपकी 3 से 4 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, 3 से 4 साल इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, कई बार 3 साल मांगते हैं, कई बार 4 भी मांग लेते हैं कि आपकी 4 साल सर्विस होनी चाहिए, तो ये होने के बाद में आप फिर असिस्टेंट कमांडेंट यानी डीएसपी का एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल होते हो और वो एग्ज़ाम दे के आप अपना नंबर ले सकते हो। एक तरीका हो गया प्रमोशन का ये। अब होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे जाते हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए जैसे अगर मान लो कि आप कॉन्स्टेबल जीडी से भर्ती हो तो इसे आप फिल्टर में कैसे जा सकते हो या ड्राइवर में कैसे जा सकते हो और उनमें जैसे अलग अलग जैसे आर्मोरर कैसे बन सकते हो, इनके लिए मैं एक भी वीडियो पहले भी बनाया था लेकिन फिर भी बता दूं कि आप कॉन्स्टेबल जीडी से आप बिल्कुल अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस है तो ड्राइवर की वैकेंसी आती है डिपार्टमेंटली, तो उसमें आप एग्ज़ाम देके ड्राइवर में जा सकते हो। फिल्टर में भी आप जा सकते हो, आपके पास में अगर कोई टेक्निकल आपने कोर्स कर रखा है, आपने कुछ इस प्रकार का कर सका है जैसे आपको फिल्टर में जाना चाहो तो उसमें भी आप जा सकते हो, वो एग्ज़ाम देके डिपार्टमेंटली इसकी वैकेंसियाँ भी आती रहती है तो वो एग्ज़ाम फाइट करके आप जाते रहते हो। इसके बाद में और भी कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी जॉब होती है जो हवलदार की जिनके एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंटली, से स्वाइपर होता है, उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जब डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर लोगे एक बार फिर आपको इनके बारे में अच्छे से पता लगेगा, अभी मैं उनको बताऊंगा तो आपको समझ में भी कम आएगा कि ये पोस्ट इसका काम क्या है, किस प्रकार से काम करती है, तो वो भी कुछ एग्ज़ाम दे के आप इस प्रकार से प्रमोशन ले सकते हो। लेकिन जो बेसिक प्रमोशन का जो फंडा है बिना किसी एग्ज़ाम दिए वो उसका यही है कि प्रेजेंट टाइम में आपको एक पोस्ट बढ़ाने के लिए पहली पोस्ट बढ़ाने के लिए कम से कम 15 से 16 साल का समय लग जाता है दोस्तों। उसके बाद में आपकी फर्स्ट पोस्ट हो जाती है मतलब कॉन्स्टेबल से आप एससी बन जाते हो और एससी से एसआई बनने के लिए 8 से 9 साल का समय लगता है और एसआई से एसआई बनने के लिए 5-6 साल या 8-10 साल उस समय लगता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा चल रहा है जिस समय अभी जो अपडेट चल रही है नई डिपार्टमेंट में उसके अनुसार आप 10 या 11 साल बाद में ही आपको हवलदार की उपाधि दी जाएगी। इस प्रकार के अभी प्रेजेंट टाइम के जो नई अपडेट है वो इस प्रकार से चल रही है, तो हो सकता है कि वो लागू होने में 1-2 साल लगे लेकिन उसके बाद में हवलदार बनना फिर ईजी हो जाएगा और 10-12 साल में सभी हवलदार की उपाधि जिनको मिल जाएगी यानी प्रमोशन जल्दी होने के चांसेस है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।